हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी नॉर्थन स्पेशल। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप दही लिया है और उसके अंदर मैंने 3 कप पानी डाल के एक पतली छाछ बनाई है। कढ़ी जो होती है हमेशा छाछ से ही बनाई जाती है। इसे अच्छी तरह फेंट लिया है। अब 1 कप इसमें मैंने बेसन डाला है और इसको अच्छी तरह से मिला लेना है, हिला हिला के, और इसके अंदर कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी तरह घोल तैयार कर लिया है और इसमें कोई भी गांठ नहीं बन रही है। एक मोटे तले के बर्तन में हमने 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाला है और इसको गर्म किया है। इसमें हम तड़के के लिए राई, 1 चम्मच राई छोटी चम्मच, और 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1/2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच हींग ली है, और इसको डालकर हम चटकने देंगे। चटकने पर इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालनी है, कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है। 1 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। और इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने घोल तैयार किया था। घोल को अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि लग ना जाए। घोल हमारा गाढ़ा है तो हम इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर देंगे ताकि वो अच्छी तरह पकने में ताकि वो अच्छी तरह से पके। कढ़ी को हम कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए पकाते हैं ताकि उसके अंदर बेसन है वो अच्छी तरह से पक जाए, उसका कच्चापन खत्म हो जाए। इसे लगातार चलाते रहें जब तक कि इसमें उबाला नहीं आ जाता। 1 उबाल आने के बाद इसको हम सिम गैस पर पकने के लिए रख देंगे। लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे बेसन लग जाएगा। उबाल आने लगा है, कढ़ी को पकने के लिए रख देंगे। कढ़ी में पकौड़े डालते हैं। इसके लिए हम पकौड़े की, जब तक कढ़ी पकती है तब तक हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं। बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये पकती रहे। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब बेसन लिया है। इसके अंदर लाल मिर्च, नमक, जीरा, डाला है और इसको अच्छी तरह से मिलाकर पानी डालकर एक अच्छा सा पकौड़े का बैटर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि हमारा घोल ज्यादा पतला ना हो और बैटर में कोई भी गांठे ना हो, लम्स ना हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और घोल तैयार कर लेंगे। हमारा जब बैटर तैयार हो जाएगा तो हम इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पिंच भर सोडा डाला है। सोडा हमारी कढ़ी और बेसन को हजम करने में मदद करता है और हमारी पकौड़ी भी थोड़ी फ्लफी बनेंगी। कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने सरसों का तेल डाला है और तेल गर्म होने रख दिया है। गर्म होने पर हम इसमें छोटे छोटे घोल से पकौड़ी तल देंगे, छोटी छोटी पकौड़ी बनाएंगे।
और इन्हें मैं अच्छी तरह से पका लिया हूँ। पकौड़ी देखिए फूलने लगी है और अच्छी तरह से इन्हें सेक लेना है पलट पलट कर। हमारी कढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से पक रही है, ये देखिए इसमें उबाल आ रहा है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, हमने पहले मसाले डाले थे, नमक नहीं डाला था। नमक हमेशा लास्ट में डालते हैं, इससे हमारी कढ़ी फटती भी नहीं है और बहुत ही बढ़िया बनती है। कढ़ी हमारी पक के तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे और एक उबाल आने पर गैस को बंद कर देंगे। हमारी कढ़ी तैयार है। कढ़ी के साथ चावल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक कप चावल लिया है, बासमती चावल, और उसे मैंने 15 से 20 मिनट तक भिगोया है। आज हम चावल कढ़ाई में बनाएंगे। कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल 1 बड़ा चम्मच गरम किया और उसमें जीरा डाल के चटकने के लिए छोड़ दिया। चटकने पर हम इसके अंदर चावल डालेंगे भीगा हुआ और हमारे इसको अच्छे तरह से मिला लेंगे। और इसमें हम पानी की क्वांटिटी उतनी डालेंगे कि जितनी कि हमारी एक उंगली का एक पोरवा डूब जाए। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने ये चावल पहले से भिगो रखे थे। ये देखिए इतना पानी डाला है मैंने उंगली के बराबर और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। एक उबाल आ गया है और देखिए चावलों में उबाल आने के बाद इसे मिलाकर इसे हम थाली से ढक देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। कढ़ाई में चावल बहुत ही खिला खिला बनता है। उबाल आने पर अब हम इसे कवर करेंगे और पूरे 5 मिनट के लिए हम इसे मीडियम गैस पर छोड़ देंगे। पाँच मिनट बाद देखिए चावलों ने सारा पानी सोख लिया है और हमारे चावल तैयार है। जब हम कढ़ाई में चावल चढ़ाते हैं तो बीच में एक बार चेक भी कर सकते हैं जब पहली बार बनाते हैं तो। ये देखिए हमारा खिला खिला चावल तैयार है।